ये ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत, कितना सुंदर नज़ारा है ये। ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइनें जाती हुई। अब आ चुके कौशल जी, बोलो। सर कौशल कौशल जी, इसका नाम होना चाहिए भाई ऐसा कुछ, तो अगर ये क्रिकेटर होता तो इसका नाम क्या था? क्रिकेटर होता तो इसका वही था, क्या रिजवान तोड़ू फोड़ू कौशल। हमने कौशल का पिछला मैच भी देखा कि उसमें किस प्रकार वो आउट हुए, आगे बढ़ के छक्के मारने के प्रयास में। ये खूबसूरत शॉट और 4 रन, शाबाश। ये खिलाड़ी तो आज कसम खा के आए हैं। गेंदबाज अनानप लेते हुए बॉल और कौशल ने आगे बढ़ के मारने की कोशिश की, पर गेंद सीधा कीपर के हाथों में। खेलते हुए डबल है, डबल है, डबल की मांग, लेकिन एक रन से संतुष्टि करनी होगी। बॉल बॉलर के हाथ में, बॉल लेके दौड़ते हुए बॉलर कौशल अपनी गेंद फेस करते हुए और बहुत अच्छा डिफेंड करते हुए एक रन के लिए भागते हुए कौशल, और बड़े आराम से एक रन कंप्लीट किया। ये काली टी शर्ट वाले प्लेयर बहुत ही अच्छा खेलते हुए अभी तक 3 चौके मार चुके हैं। अच्छा, यही मार चुके 3 चौके। बॉल को पीछे रगड़ते हुए और अब रन अप लेते हुए बॉलर, ये बॉल कराई और कौशल ने अच्छा स्ट्रोक लगाया ऑफ रन, बाउंड्री की तरफ जाते हुए, बाउंड्री की तरफ 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, रन अप पे कौशल ने आगे बढ़ के बल्ला घुमाया लेकिन चूक गए। अगली गेंद का सामना करते हुए बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत बढ़िया। काली शर्ट वाले खिलाड़ी कौशल को समझाते हुए, पिच का मुआयना करते हुए, ऐसे खेलना है। उन दोनों की बातचीत मैं सुन पाता बहुत ही सौभाग्य होता मेरा। सचिन तेंदुलकर का रोल निभाते हुए काली शर्ट वाले प्लेयर, बॉल आ गई, बॉल सुखाते हुए। मुझे लगता है एक खेल में अंपायर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बॉलर भागते हुए फिर से गेंद का सामना करेंगे कौशल और बचाव करते हुए कीपर के हाथों में गेंद, बॉल को छू तक नहीं पाए कौशल। गेंदबाज अनानप लेते हुए बॉल और कौशल ने आगे बढ़ के मारने की कोशिश की, पर गेंद सीधा कीपर के हाथों में। आपको मैन ऑफ द मैच बताने के चक्कर में ये 6 रन के लिए गेंद जा रही है 6। ये खिलाड़ी ऐसे हैं, 10 रन मारने के बाद ही बल्ला उठा देते हैं। ये देखिए, ये कौशल फॉर्म में आ चुके हैं। रात को लगता है इन्होंने पिज्जा खाया है, और लेकिन प्लेयर सीधा गेंद के नीचे, और ये कैच, और ये आउट, और ये आउट। ये खिलाड़ी गुस्सा अपना ड्रोन पे निकालते हुए, इनको आउट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वॉक ऑफ द शेम कहा जा रहा है इनको कुछ लोगों के द्वारा।